टिक्का तो बहुत खाया है, आज हम पनीर टिक्का ग्रेवी में बनाएंगे और मैगनेट हम वैसे ही करेंगे जैसे मैगनेट करते हैं, बस थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। इसको हम करेंगे लाल कलर दही, मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाला है, सरसों का तेल केवल एक चम्मच, और इसको बहुत ज्यादा गर्म कर लें। उसके बाद गैस बंद कर देंगे, उसका प्रोसीजर अलग से होगा सारा। अब हमें तेल की खुशबू आ रही है, सेम वही प्रोसीजर होगा। अब हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम गैस बंद कर देंगे, उसमें हम एक चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को हम इस तरह भूनते रहेंगे, इसीलिए हमारा बेसन लाल हो जाएगा। क्योंकि तवा गर्म है और बेसन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। गैस मेरा बंद है और हमें इसमें तेल ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें हम दही भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बढ़िया आएगा। और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसी में अब हम दही डालेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी घी डलेगा, दही भी घी डालता है। अब हमारा बेसन इस तरह से लाल कलर का हो गया, अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे पनीर के हिसाब से, इसमें हल्दी पाउडर जाएगा थोड़ा सा, इसमें जाएगा जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सारे मसाले जाएंगे। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, आप सोप पाउडर भी डाल सकती है, अजवाइन डाल सकती है, जो जो फ्लेवर आपको पसंद है डाल सकती है। इसमें आएगा धनिया पाउडर, इसमें आएगा दही, दही कोई भी हो आपके पास। अब हम इसको घुमाएंगे, हम इसमें पनीर डालेंगे और हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर आपके पास ओवन हो तो ओवन में इसको सेक सकते हैं, कढ़ाई में सेक सकते हैं, और आप चाहें तो गैस पर, मैं आपको दिखाऊंगी गैस पर बनाकर। अब मेरा इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब ये गर्म है अभी तवा। अब हम इसमें पनीर डालेंगे और प्याज कटा हुआ, शिमला मिर्च कटा हुआ डालेंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। अब हमारा, मैंने दो छोटे प्याज लिए और उसको इस तरह से मैंने डाल के हल्का सा भून लिया। अब मैंने दो टमाटर लिए,
हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के गैस बंद करके इसको हम भाते ठंडा करके इसको मिक्सी में प्यूरी बना देंगे। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा मैंने कश्मीरी पाउडर डाला था, ये लाल मिर्च ऐसे ही डाला था, ये धनिया पाउडर। अब इसमें जाएगा गरम मसाला और जाएगा इसमें किचन ग्रीन मसाला और गैस बंद कर दी। अब हम ठंडा करके इसको मैंने मसाला मिक्सी में पीस लिया, हमने शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया, और तेल की धीमी धीमी होती आ रही जो मैंने मैरिनेट किया था बेसन, उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बची, मैं उसको उसमें डालूंगी। डाबास्टल खुशबू आ रही है, मिनी मिनी मैंने आधा चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर अब मेरा पनीर मैरिनेट हो गया। इसमें आप पीछे से प्याज या आलू लगा सकते हैं। अब मैं इसको गैस पर थोड़ा सा सेकूंगी और मैं चाहूँ तो इसके फ्राई भी कर सकती हूँ। तो आप ऐसे ही देख के खुशबू आ रही है, खाने का मन कर रहा है। स्वेटर बुनने का कांटा आता है, उसमें भी बना सकती है। ये बिल्कुल बाजार जैसे ही स्टेज आया है इसमें। इसी में हम डालेंगे एक चम्मच शक्कर। बाजार में थोड़ा कलर लगाना